किसी के साथ भी ऐसा ना हो, वी रियली डोंट वांट किसी के भी साथ हो, इसलिए हमने ये वीडियो बना के अपलोड किया। वो टाइम पे भले आप एयरपोर्ट के बाहर जाओ नहीं जाओ, आपके पास वीजा होना जरूरी है, वरना आप वही फंस गए। ये वीडियो हम लोग अभी सिंगापुर एयरपोर्ट से बना रहे हैं। हमको इंडिगो से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। सिंगापुर पे हमारा था लेओवर, तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैं बोला बाली जाना, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। हम लोग को सीधा ऐसा बोल दिया दैट यू हैव टू गो बैक टू इंडिया। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत अलग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले जो हमारे साथ हुआ, और हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी हो, स्पेशली अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है। जैसे मैं, मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। दो करण ने काफ़ी बिजनेस ट्रिप्स की है, बट ये हमारा ऐसे ट्रैवल वाला फर्स्ट ट्रिप था, और गलतियाँ सबसे होती है मतलब, और ये हमारे एंड से ही नहीं, आगे बताएंगे कि कैसे कैसे गलती हुई है और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, बट मेक श्योर कि पूरा देख कर जाओ, बिकॉज एक बार ये देख लोगे जिंदगी भर के लिए आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी हो गई है। यस, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, एंड व्हेन आई एम सेइंग हेल्पफुल, आप बाद में बोलोगे कि यार ऐसे भी कुछ होता, बिकॉज हमारे साथ पहली बार हुआ। तो अगर आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपका लेओवर वाला फ्लाइट है, या फिर आपका ट्रांजिट वाला फ्लाइट है, बी वेरी केयरफुल। क्यों केयरफुल? क्योंकि पिछले 6-7 जो घंटे थे हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। हम लोग इतनी सारी चीज़ों से गए, ये बेचारी रोई, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया, एंड इट वाज हर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और मुझे बिल्कुल इसको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देना था। एंड अनफॉर्चुनेटली हम वो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हमने कुछ चीज़ें कैप्चर की है जो हम ये वीडियो में अपलोड करेंगे वो क्लिप, और आप जब वो क्लिप देखोगे आपको समझ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे वो आवर्स, हम लोग ने नहीं किया। तो बेसिकली हम लोग हमारी एक्सपीरियंस है, हमारे साथ जो हुआ, हमने क्या किया वो हम स्टार्ट करेंगे बताना, क्या हुआ था, कैसे किया था एवरीथिंग। ऑलराइट, तो मैंने सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारा जर्नी कहाँ का है। हमारा जर्नी है मुंबई से बाली का। ऑलराइट, और ये मई 2023 का वीडियो है। अब मुंबई से मुझे बाली आना था, तो बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने मुंबई से बाली का फ़्लाइट जो बुक किया, मेक माई ट्रिप से बुक किया। ओके, और जनरली हम लोग कैसे टिकट बुक करते हैं, जो सस्ता होता है हम लोग वो बुक करते हैं। हम लोग ये हमेशा करते हैं, मतलब जनरली कोई भी इंसान करेगा, जिसको भी पैसे बचाने हैं, कोई भी, हम लोग डेट देखते हैं और जो सस्ता होता है वो करते हैं। आप मैं, दिस इज ह्यूमन नेचर, हम लोग ट्राई करते हैं सेव करने पैसे। हम लोग एयरलाइंस नहीं देखते, हम लोग कुछ नहीं देखते, हम लोग पैसे देखते हैं अमाउंट, और आई थिंक आप लोग भी अग्री करोगे, काफी लोग हमारे साथ, दिस इज लाइक नॉर्मल, कोई भी हो, कितने भी पैसे हो, बट इंसान वैसे ही करता है। पैसा किसको नहीं बचाता। यस, तो बेसिकली ऐसा हुआ है कि मैंने मुंबई से बाली का फ्लाइट किया, और ये ना इसमें कुछ लेओवर्स थे, बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो कुछ लेओवर्स थे। तो मेरा फ्लाइट पहले मुंबई से चेन्नई था, फिर चेन्नई से सिंगापुर था, और सिंगापुर से फिर बाली था। तो ये ऐसा था, चेन्नई में 3 घंटा लेओवर, यहाँ पर सिंगापुर में 4 घंटा लेओवर, और उसके बाद फिर मैं बाली पहुँच जाता। टोटल टाइम इसका 18 आवर्स था। तो मैंने रेट देखा, मैंने आवर्स देखा टोटल कितना है, और मैं बोला चलो बुक कर देते हैं यार, ये तो बेस्ट फ्लाइट है और सही रेट में भी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स, क्योंकि बाकी दूसरे फ्लाइट में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ज़्यादा जा रहे थे पर पर्सन। हाँ। तो मैंने ये वाली बुक कर दी। और एयरलाइंस बता दो कि कैसे, कहां से किया था, क्या? तो एयरलाइंस हमारी थी पहले इंडिगो थी, फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू सिंगापुर, ये वाली हमारी इंडिगो थी। और उसके बाद सिंगापुर से बाली के लिए हमारी थी स्कूट। ओके, तो ऐसा हुआ कि हम लोग मुंबई में गए, और मुंबई से हम लोग को 2 बोर्डिंग पास मिल गए। ठीक है, हम लोग गए, हम लोग ने चेक इन किया, हम लोग उनको बोले कि हम लोग को बाली जाना है, एंड हम लोग को उन्होंने तुरंत दे दिया सिंगापुर तक का टिकट, और उन्होंने हमको बोला कि आपको बैग डायरेक्टली सिंगापुर में मिलेगा। और ये वीडियो, सॉरी टू कट यू, और ये वीडियो हम लोग इसलिए स्पेशली बना रहे क्योंकि ये बुकिंग करने से पहले करने बहुत सारे वीडियोज देखे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे थे, लेकिन कोई भी वीडियो हेल्पफुल नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसा वीडियो बनाए कि हमारा कोई वीडियो देखे तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो, कि वो लोग ये गलती ना करें, किसी ने भी वीज़ा यार और किसी के बारे में डिटेल में नहीं पता था। हम लोग स्पेशली बताने वाले कि कैसे वीज़ा और कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, तो वी थॉट कि बता दें, प्लीज़ कंटिन्यू। यस, मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे, बट वो वीडियोस देखकर ही मैं प्रॉब्लम में आया, ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि किसी ने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं कवर किया था। और ब्लेमिंग एनीवन, इट्स जस्ट कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट वीडियो बनाया, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं सोचते इम्पोर्टेंट होती, लेकिन वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये छोटी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू इट, और पूरा सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो प्लीज बीच में बता देना, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू इट लाइक टुगेदर।
और अभी स्टिल मतलब मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है। तो मुंबई से हम लोग की थी बाली की फ्लाइट और इंडिगो था, तो मुंबई में हम लोग ने बोर्ड किया, हम लोग ने बैगेज ड्रॉप कर दिया, उन्होंने हमको बोला कि आपको सिंगापुर में बैगेज डायरेक्टली मिल जाएगा, तो मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से सिंगापुर, तो मुंबई से चेन्नई हम लोग आ गए। और फिर चेन्नई में हमारा इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट जब होती है तब आपका इमिग्रेशन होता है, राइट। तो चेन्नई में हमारा इमिग्रेशन हुआ, उन्होंने हमको पूछा कि आपको कहाँ जाना है, हम लोग ने बोला बाली जाना है, तो उन लोग ने बोला चेन्नई में इमिग्रेशन हुआ था, तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैं बोला बाली जाना, तो बोलते अच्छा ठीक है। और फिर उन लोग ने देखा सिंगापुर, फिर उन लोग ने पूरा टिकट मांगा मेरा, तो मैंने सिंगापुर तक, उन लोग मेरे पास बोर्डिंग पास था तो वो उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने पूरा टिकट मांगा तो मैंने पूरा टिकट भी दिया उनको, और फिर उन्होंने देखा, उन लोग ने बोला ठीक है ऑल क्लियर, ठप ठप स्टैंप मार दिया। पूछा वीजा के बारे में कि आपके पास वीजा कहाँ है सिंगापुर का, तो नहीं ऐसा नहीं, उन लोग ने पूछा वीजा, तो हम लोग ने बोला बाली है ना, तो ऑन अराइवल है, तो बोले ओके। तो मतलब वीजा के बारे में उन्होंने पूछा था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा था, बट उनके पास क्लियर सब कुछ था कि हम लोग का सिंगापुर तक एक फ्लाइट है, हमारे सिंगापुर तक इंडिगो है, और सिंगापुर के बाद दूसरा फ्लाइट है, दूसरा एयरलाइंस है, उनको पास सारा डिटेल्स है। उन्होंने सिर्फ हमको पूछा बाली का वीजा का, हमने बोला वीजा ऑन अराइवल है, एंड दैट वाज द एंड कॉन्वर्जेशन। उन्होंने हमको स्टैम्प दे दिया, हम लोग सिंगापुर आए विदाउट वीजा। यस, तो इमिग्रेशन हो गया हमारा और हम लोग को कुछ वेट करना पड़ा, उसके बाद फिर हम लोग फ्लाइट में चढ़ गए और हम लोग आ गए। और सिंगापुर पे हमारा था लेओवर, और हमको लगा कि बाहर तो निकलना है नहीं, वीजा की तो जरूरत है नहीं। और सारे यूट्यूब में जितने भी वीडियोस देखे थे, किसी ने भी मेंशन नहीं किया था कि अगर आपका सिंगापुर में लेओवर है तो आपको वीजा की जरूरत है, किसी ने भी ये चीज मेंशन नहीं की थी। तो हम लोग को लगा ठीक है चलिए लेओवर ही है, एट दी एंड तो बाली में ही निकलना है बाहर, तो बाली का वीजा तो हमको उतर के ही मिल जाएगा प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट पर, तो दैट वॉज द थिंग। तो फिर हम लोग को बोला था कि आपको बैगेज कलेक्ट करना होगा सिंगापुर से, और उसके बाद फिर दूसरे फ्लाइट पे आपको बैगेज डालना होगा, और आपको फिर बाली में बाद में मिलेगा, पहले आपको बैगेज आपका मिलेगा। इंडिगो ने मुझे कहा कि आपको बैगेज मिलेगा सिंगापुर में, तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए सिंगापुर और हम लोग उतरे, और बैग बेल्ट नंबर 20 पे आया था, तो हम लोग को वहां पर जाना था, पर बेल्ट नंबर 20 जाने के पहले आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, और इमिग्रेशन तब क्लियर होता है जब आपके पास वीजा है। भाई साहब, इमिग्रेशन नाम से डरो। ये हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे सारा इशू, पूरा इशू यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉपर चेक इन होता है वहाँ पे सिक्योरिटीज होता है एंड एवरीथिंग। तो जैसे हमको पता चला गेट नंबर 20, बेल्ट नंबर 20 इमिग्रेशन की वो साइड है, हम लोग नॉर्मल खड़े होकर हम लोग देखे, तो जैसे हम लोग वहाँ पे गए, सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहाँ के, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हमको वीज़ा पूछा कि आपके पास वीज़ा है, हमने बोला हम तो बाली जा रहे हैं, सिंगापुर तो हमारा लेओवर था, तो फिर हमारे पास तो सिंगापुर का वीज़ा है नहीं, और हम लोग बाली में उतरने के बाद वीज़ा लेने ही वाले, और वीज़ा ऑन अराइवल, इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है बाली में, इसलिए हम लोग वहाँ जाकर वीज़ा लेंगे। बट देन Then comes the issue. अब ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर आपको बैगेज लेना है तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप बैगेज ले सकते हो, और आपका जो फ्लाइट है नेक्स्ट फ्लाइट, वो आपको इमिग्रेशन क्लियर करके ही बाहर से जाना होगा, तब आप वो फ्लाइट ले सकते हो, आप इंटरनली कनेक्टेड नहीं है ये। और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको वीजा जरूरी है, चाहे फिर वो सिंगापुर वीजा हो या US वीजा हो या और कोई कंट्री का, यूरोप वाला वीजा हो, बेसिकली UK US वीजा आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपका काम हो जाता है। या फिर आप जो भी कंट्री में हो, सिंगापुर में थे तो सिंगापुर का वीजा होना चाहिए। अगर कुआलालंपुर में आपका हॉल्ट है या फिर आपका लेओवर है, तो आपको कुआलालंपुर का वीजा चाहिए होगा। कब मैं बताता हूँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपको अपना टिकट चेक करना है और देखना है कि आपका PNR सेम है, यानी मुंबई से लेके बाली तक, या फिर आप जहां पर भी जा रहे हो फर्स्ट से लेके लास्ट फ्लाइट तक सेम PNR है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर अलग PNR है तो आपको वीजा लगेगा, जहाँ पे कुछ भी हो जाए, रुक रहे हो, कोई भी आपको कुछ भी बोले, वहाँ पे इमिग्रेशन आपको करना पड़ेगा। एक और सिंपल टर्म्स में, अगर आपकी सेम फ्लाइट है, अगर आप इंडिगो में बैठे और इंडिगो ही आपको लास्ट डेस्टिनेशन तक स्टॉप उतार रहा है, तो आपको इमिग्रेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइंस चेंज हो रही है, इंडिगो से स्कूट हो रही है या एयर एशिया हो रही है या कोई भी अदर एयरलाइन हो रही है, एमिरेट्स हो रही है, तो आपको वो टाइम पे भले आप एयरपोर्ट के बाहर जाओ नहीं जाओ, आपके पास वीजा होना जरूरी है, वरना आप वही फंस गए। तो हम लोग फंस गए यहाँ पर, ठीक है। हमको बोला कि इमिग्रेशन क्लियर करो, हम लोग बोले नहीं कर सकते, तो फिर हमको बोले कि ट्रैवल डेस्क पे जाओ, हम लोग को बोला कि ट्रैवल डेस्क पे जाओ, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा, वहाँ पर जाके बताओ अपना सिचुएशन।
तो हम लोग गए ट्रैवल डेस्क पे, हम लोग ने एक्सप्लेन किया हमारा सिचुएशन और उन लोग हम लोग को बोलते हैं आपको इंडिया Yes, हम लोग को सीधा ऐसा बोल दिया that you have to go back to India. Because you guys don't have visa, आप सिंगापुर में हैं, तो हम उनको वही बोले कि पर हमको सिंगापुर में बाहर जाना ही नहीं, हमको बाली में जाना है और बाली में हम लोग उतरने के बाद वीजा लेने वाले थे. And we had no clue about the immigration कि हमको सिंगापुर में फ्लाइट चेंज करने के बाद हमारा लगेज लेके वापस इमिग्रेशन करना पड़ेगा. ये सेम इमिग्रेशन जो हमने इंडिया में भी किया था और इंडिया में हमको अप्रूवल मिल गया था. एंड ये अप्रूवल हमको इंडिगो एयरलाइंस ने दिया था. मैं ऐसे नहीं बोल रही कि इंडिगो एयरलाइंस खराब है और एनीथिंग, ये एयरलाइंस किसी से भी हो सकता है, लेकिन हमको इंडिगो से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. जैसे ही फर्स्ट चीज हमको पता चला कि इंडिगो से हमको अप्रूवल मिला था, अगर वो हमको अप्रूव नहीं करते, अगर हम लोग को वो इंडिया में ही बता देते, चेन्नई में ही या मुंबई में ही बता देते कि आपका इमिग्रेशन होने वाला है सिंगापुर में, दो आपको बाली में जाना है, तो आपके पास सिंगापुर या कोई और कंट्री का वीजा होना जरूरी है, तभी आप इमिग्रेट कर पाओगे, वरना आपको रिटर्न भेज देंगे. अगर वो बता देते तो हम मुंबई में कुछ फिगर आउट करते हैं, हम लोग फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, हम वहीं पे तुरंत वीज़ा का कुछ फिगर आउट कर लेते थे. बट उन्होंने नहीं बोला हमें, उधर से हमको अप्रूवल मिल गया और यहाँ पे आके हमको पता चला. तो ये कुछ हद तक उनकी भी गलती है एयरलाइंस की और कुछ हद तक हमारी भी गलती है जो हम लोग ने चेक नहीं किया था. मेरी गलती बेसिकली, जो मैंने चेक नहीं किया था. सो बेसिकली यहाँ पर इंडिगो हम लोग को बोर्डिंग पास देना ही नहीं चाहिए था मुंबई में. चलो मुंबई में दे दिया कोई बात नहीं, क्योंकि मुंबई चेन्नई था, पर चेन्नई से हमको इमिग्रेशन क्लियर करना ही नहीं चाहिए था. प्रॉपर इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में जनरली दे आस्क यू क्वेश्चंस, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वीजा, सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एंड तभी आपको जवाब देना पड़ता है. उनको जरा भी डाउट होता तो दे शुड क्लियर कि आप ऐसे से कर रहे हो, बट दिस इज अ रिस्क, आपको नहीं मिलेगा, या कुछ तो बोल देते हैं, बट कुछ भी नहीं बोला. स्टैम्प दे दिया, ओके जाओ. और हाँ, मतलब उन लोग ने ऐसा भी नहीं बोला कि आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है आप सिंगापुर में जाओगे, क्योंकि आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है, अलग पीएनआर है. उन लोग ने हमारा पूरा टिकट चेक किया, फिर भी कुछ नहीं बोला. तो हम लोग यहाँ पर आ गए. अब यहाँ पर आ गए, अब हम लोग को बोल रहा है कि आपको आपका बैगेज नहीं, आपको आपका बैगेज नहीं मिलेगा सिंगापुर का, आपके पास वीजा नहीं है, तो आपको हम लोग वापस इंडिया भेज रहे हैं. और ऐसा भी नहीं कि इंडिया भेज रहे, TNL एक टर्म यूज़ किया कि ये TNL पैसेंजर्स हो गए. TNL मतलब टू नॉट लैंड पैसेंजर्स, और जिनको सीधा डिपोर्ट किया जाता है, मतलब जिनको सीधा बोला जाता है कि नेक्स्ट फ्लाइट ले लो और जाओ सीधा मुंबई या फिर जहाँ से भी आप आए. और लगेज भी नहीं मिलता आपको, आपको पड़ा रहेगा वहाँ पे. आपको लगेज भी नहीं मिलता, जिस फ्लाइट से आप आए उनको कांटेक्ट करना होगा और वो लोग आपका लगेज अरेंज करेंगे वापस, और जब वो अरेंज करेंगे तभी आपको मिलेगा, वरना लगेज आपका लॉस्ट एंड फाउंड में रुका रहेगा यहाँ पर. अब हम हमारी सिचुएशन बताते, जैसे हमको पहले ये चीज पता चली, सबसे पहले हमने ट्राई किया कि इंडिगो एयरलाइंस को कनेक्ट करें, क्योंकि वहाँ से हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी और उन्होंने हमारे इमिग्रेशन क्लियर किया था. तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए मेरे कम से कम 2 घंटे गए. मैंने इंडिगो को लाइव चैट से बात किया, मैंने मेल किया, मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं. आई डिड नॉट गेट एनी हेल्प. आप दूसरे कंट्री में हो तो आप डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर सकते गूगल, क्योंकि आपके पास सिम भी नहीं था. एग्जैक्टली. एंड आई डिड नॉट, जितना कर सकते उतना किया. यस. एंड आई डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम इंडिगो हियर, बिल्कुल नहीं. उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला सीधा यहाँ पे जो ट्रैवल डेस्क पे थे उनको कि इनको. वो भी वर्स्ट पार्ट ये था कि सिंगापुर में इंडिगो का यहाँ पे अंदर एक भी ऑफिस नहीं है. Exactly. एक भी काउंटर नहीं. एक काउंटर था जो एयरपोर्ट के बाहर था और हम बाहर जा ही नहीं सकते थे बिकॉज हमारे पास वीजा नहीं था. और वो भी यहाँ के 2:30 तक उनके ऑफिस में कोई नहीं था. उनका जो काउंटर था बाहर वो बंद था. एंड दिस गर्ल हु वाज हेल्पिंग अस, उनका नाम था कैटरीना, शी वाज हेल्पिंग अस थ्रूआउट, शी वाज वेरी हेल्पफुल. वो बार बार कॉल किए जा रही थी हमारे सामने, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था इंडिगो से, कोई मैसेज नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं. एंड शी वॉज लाइक आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, मेन उनके कोई मैनेजर से भी कनेक्ट, हेड कोई बड़े पोस्ट से भी शी वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट, बट नो रिस्पॉन्स. जब रिस्पॉन्स आया राइट अराउंड 3-4 आवर्स के बाद, हम लोग एयरपोर्ट पर रुके हैं, उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिए, बोल दिए कि प्लीज़ वो पैसेंजर्स को बोलो अपने टिकट रिटर्न इंडिया के बुक करें और रिटर्न इंडिया आ जाए. दैट्स इट. ना हमें लगेज के बारे में कुछ बोला, ना कुछ, ना हमसे बात किया, ना हमारे सिचुएशन जाना. दिस वॉज द रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम इंडिगो, विच आई फील इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ देम कि ऐसा रिप्लाई नहीं करना चाहिए था. एटलीस्ट उन्होंने हमसे किसी को तो रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए था, हमसे बात करना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी. नहीं, डायरेक्टली उन्होंने कैटरीना को बोल दिया. एंड कैटरीना वॉज द वन जो यहाँ पर सिंगापुर एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क पे होती है, शी वॉज हेल्पिंग अस आउट. देन वॉट वी रिक्वेस्टेड हर, मैंने हमने कैटरीना को बोला कि कैटरीना प्लीज़ या तो आस्क एनी रिप्रेजेंट
executive of Indigo to come and talk to us so that you can explain them our situation. Yeah, fir you please help here because we really don't want to go back to India. This is our honeymoon. This is my first international trip and I don't want this to happen. And pata nahi bichari ne bola theek hai, give me some time, let me figure out. But ma'am, I can't guarantee you, most in such cases, to be very honest, aapko India wapas bhej denge. This was the response. Matlab usne bola ki 99% yahi hota hai, 1000 mein se 999 cases aise hote hai ki India bhej dete hai aur koi positive hope nahi tha yahan par. But she is like, let me still try, give me some time. Abhi unhone jab give me some time bola, we were like theek hai, theek hai, koi baat nahi, kyunki already hum log uske baad bhi hum kafi der ruke, hamara aur 4-5 ghanta gaya aur Indigo se fir bhi koi response nahi aaya tha. That was the last response we got from Indigo. Fir hum log ruke the, hamare paas koi aur option bhi nahi tha rukne ke alawa. और हमारी फ़्लाइट का टाइम भी निकल गया था और फ्लाइट चली गई थी जो 4:30 की थी. ठीक है, अब हमें बज रहे 5:30. तो वी अगेन वेंट टू कटरीना एंड देन हमने कटरीना को बोला, कटरीना प्लीज़ फ्लाइट तो चली गई, प्लीज़ एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड इट्स आर मिस्टेक. हमने सीधा जाके बोला हमारी भी गलती है, बट करंटली एक फ्रेंड है, उन्होंने वो एयरलाइंस में काम करती है, उन्होंने बोला यार बोथ द पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. बेसिकली ऐसा हुआ है कि बोथ द पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने बोला है क्योंकि तुमको पहले चेक करना चाहिए था. उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको पहले चेक करना चाहिए था कि क्या होता है कंट्री का गाइडलाइंस ये वो. उन्होंने मेरे मुझे सारे स्क्रीनशॉट भेजे और वहाँ पे मेरी गलती थी. सेकंड उन्होंने बोला कि जब चेन्नई में, हाँ सेकंड उन्होंने बोला कि इंडिगो की फॉल्ट है. फर्स्ट उनको आपको देना ही नहीं चाहिए था, मतलब टिकट्स ही नहीं देना चाहिए था, मुंबई से ही फ्लैग हो जाना चाहिए था वो इशू, और मुंबई से ही उनको वीजा पूछना चाहिए था और तभी आपको भेजना चाहिए था. तो ये चीजें हुई. तो फिर जब हमने कटरीना को जाके बोला कि सी कटरीना वी अग्री इट्स आवर मिस्टेक एज वेल, बट एयरलाइंस नीड्स टू अग्री कि इट्स देयर मिस्टेक आल्सो, कि दोनों की गलती है. तो हम लोग अगर सफ़र कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी टिकट लॉस हो गया, हमारा फ्लाइट चला गया, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हमने कुछ खाया नहीं, हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं और उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, तो एटलीस्ट एयरलाइंस शुड बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल कि हमको कुछ तो रिस्पॉन्स दे, या एटलीस्ट हमारी जो इंडिया के वापस फ्लाइट बोल रहे हैं वो तो कर दें, एटलीस्ट वो कर दें. वो हम हमारे वो लोग बोल रहे थे कि अपने कॉस्ट से कर लो और चले जाओ. ऑलरेडी हमने सब वेस्ट हो गया. एग्जैक्टली, और ये होते होते गाइस 7 घंटे हो चुके थे कि हम लोग सिंगापुर एयरपोर्ट पे. मेरा यही पॉइंट था कि अगर आप मुझे चेन्नई में बोल देते तो मैं सिंगापुर पहुंचती नहीं, और मैं सिंगापुर पहुंचती नहीं तो मैं सिंगापुर से रिटर्न आने का फ्लाइट करती नहीं, तो मैं क्यों यहाँ पे भरूँ. दिस वाज आवर पॉइंट. फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत थोड़े से सैड हो गए. बेचारी कटरीना को हम पे बहुत दया आया. आफ्टर 1-1.5 आवर्स के बाद शी वॉज लाइक, लेट मी गेट माई मैनेजर हियर, ही माइट हेल्प यू बट I'm not sure. Let me just get it. तो उनका वेट कर रहे थे. अब करण बताएगा क्या. तो उसके बाद द्विक इज द मैनेजर भाई साहब. उनका वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे अभी थोड़े देर में. एग्जैक्टली, ये वीडियो के एंड में उनका वीडियो होगा. सो बेसिकली विक, कटरीना एंड एंजेला. एंजेला तो ये तीन लोग हैं जिन्होंने हमको मतलब लिटरली लाइक पूरे सिचुएशन मतलब से बाहर निकाला. एंड ऐसा मैं कसम से बोल रही हूँ गाइस, अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, प्लीज होप मत रखना कि आपको ऐसा जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा. क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. आई डोंट नो कैसे वी आर दिस लकी, मतलब फिंगर्स क्रॉस एंड थैंक गॉड. मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस सिचुएशन जो हुआ और जो उन्होंने हमारे लिए किया. तो ऐसा नहीं होता है, बट जो हुआ इट्स लाइक वन ऑफ द केस, वन ऑफ थाउजेंड्स. तो ऐसा है वो. तो विक आए और विक हमारे पास 2 घंटा बैठे अपना सारा ड्यूटी छोड़ के और 2 फोन लेकर आए. ये फोन से इनको फोन कर रहे, वो फोन से इनको फोन कर रहे. उन्होंने बोला कि रुको, आपको मैं ट्राई करता हूँ बाली भेजने के लिए, बट आपका बैग आपको यहाँ पे छोड़ना होगा, आपको चलेगा. वैदू इंस्टेंटली बोली ठीक है चलेगा. हम लोग ने बोला चलेगा, बैग जाने दो, कपड़े गए जाने दो, मैं बाली से कुछ टेम्प्रेरी खरीद लूंगी. बट जो करने ऑलरेडी, क्योंकि बाली में भी करने हम लोग ने बुकिंग का बुकिंग करके रखा था, प्लस रिटर्न टिकट भी करके रखा था. मैंने बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे कपड़े और हमारे बैग से लगेज से दो. उसके अंदर करने का गोप्रो था, क्या क्या चीजें थी, बट लाइक की वो हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे, बाद में फिगर आउट कर लेंगे, पर पहले प्लीज हमको बाली पहुंचा दें. यस, और बेसिकली बहुत चैलेंजेस आ रहे थे बैगेज में भी. उन्होंने बोला कि पता नहीं इंडिगो को तुमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर उन्होंने मुंबई भेजा तो ठीक है, वरना तुमको ही सिंगापुर आके बैग लेकर जाना पड़ेगा. तो ये भी बहुत बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन हो रहा था. पर हम लोग ने बोला छोड़ो, फिलहाल लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन बाली. उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ. तो वो सारे एयरलाइंस को कॉल कर रहे हैं, पर कोई भी हमको एक्सेप्ट. सिंगापुर एयरलाइंस से बात किया कि अगर ऐसा, क्योंकि ये इलीगल है बेसिकली, वो हमको बिना वीजा के नहीं नहीं जाने दे सकते. बट स्टिल ही इज लाइक लेट मी ट्राई, लेट मी सी, क्योंकि वो इन हाउस
एयरलाइंस थे बट वहाँ से हमको नहीं मिला, नहीं सीधा मना कर दिया। yeah. उसके बाद उन्होंने दूसरे सिंगापुर एयरलाइंस में हम लोग को उन लोग ने पूछा मना कर दिया, गरुड़ा एयरलाइंस में मना कर दिया और भी दो तीन एयरलाइंस में मना, बाटिक एयर में मना कर दिया, बहुत सारी जगह पर मना कर दिया। उसके बाद उनको सामने से उनकी वो फ्रेंड एंजेला दिखी जो विच एजेंसी के लिए, स्कूट स्कूट एयरलाइंस के लिए, जो हमारा ओरिजिनल फ्लाइट था स्कूट, तो उन्होंने बस ऐसा पीछे देखा, उनको एंजेला भागते हुए दिखी, तो वो भागकर एंजेला के पास गए, हमसे बात करते करते बीच में कस्टमर केयर से बात करवा रहे थे, जो हमारे लगेज का ध्यान दे रही थी, हमको हाँ, एक नंबर देती है रेफरेंस नंबर, अगर कभी भी लगेज घूम जाता तो यू हैव टू ऑनलाइन वो नंबर पे कॉल करना पड़ता है, अपना लगेज का डिटेल्स देना पड़ता है, वो बुकिंग नंबर देती है, वो संभाल के रखना पड़ता है। तो हम उनसे बात करते उतने विक भाग के गए एंड एंजेला के पास, और उन्होंने एंजेला का सिचुएशन समझाया, ठीक है, और एंजेला ऑलरेडी ऐसे दो तीन केसेस कुछ हैंडल कर रही थी सुबह से, एंड उन्होंने पूरा सिचुएशन समझाया, एंजेला बोली कि ओके रुको, और पता नहीं क्या हुआ, पाँच मिनट तक मैं कस्टमर केयर से ही बात कर रहा था, हाँ मेरा बैग ये है, उन लोग मुझे मेरे ही बैग को प्रूव करने बोले कि आपके बैग के अंदर क्या है, बताओ क्या क्या है आपके बैग के अंदर, तीन चीज़ है, आप ही की बैग है। हाँ, तो फिर कवर पूछा, पाँच मिनट बाद देख हमारे पास बैग क्या है, और बोले लीव दिस कट दिस कॉल, कट दिस, विक बोले कि एंजेला इज अरेंजिंग योर फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर टू बाली, बट लगेज आपका नहीं मिलेगा, आपको जाना है क्या? हम लोग बोले हाँ ठीक है, हमको जाना है। एग्जैक्टली, और विक वापस चले गए, मतलब हमको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ऐसी कुछ चीज हो, मुझे नहीं लग रहा था, फिर भी मैं अपने मोबाइल में ना टिकट चेक कर रहा था कि भाई कोई बात नहीं, अब मैं सिंगापुर से मुंबई का टिकट देखता हूँ और हम लोग चले जाएंगे घर पे, जाने दो, जो होगा देख लेंगे, आएंगे क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट तो था ही बाली। हाँ, तो हम लोग ने मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे को ऐसा था कि पहले घर पे लेके जाऊँ, इसको काम करूँ थोड़ा, अपने आप भी एकदम थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, और फिर बाद में सोचे आगे कि क्या करना क्या नहीं। बट विक आए जैसे ही, तो हम लोग के ना जान में जान आ गई लिटरली, एंड वी फेल्ट सो गुड। और उसके बाद विक ने हम लोग को बोला कि थोड़ा टाइम दो, वो गए, आधा घंटा हम लोग बैठे थे, हम लोग को थोड़ी सी खुशी थी, बोले फिर भी मैं आता हूँ कंफर्म करता हूँ, आए कंफर्म करे, बोले इट इज डन, हो जाएगा, आपको सिर्फ टिकट्स का पे करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ने ठीक है, तो 20,000 रुपीज टिकट्स का होता है, हम लाइक ठीक है कोई बात नहीं, ले लो 20,000 पर पर्सन होता है, 50,000 यस, पर उसके बाद 10-15 मिनट में वेक वापस आ गए और उन्होंने हमको टिकट्स ला कर दिया, तो हम लोगों ने थैंक यू, तो मैंने बोला पे कैसे करूँ मैं इसका, इसको कितना पे करना, कितना पे करना और कैसे पे करूँ। उन्होंने बोला पे नहीं करना, एंजेला ने अरेंज किया आपके लिए। मैं बोला बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हो, एंड वी वर लाइक सो इमोशनल एट दैट पॉइंट। हम लोग ने बोला इतना कोई कैसे किसी के लिए कर सकते, एंजेला ने हमसे बात भी नहीं किया, और इतना कोई कैसे किसी के लिए कर सकता। एग्जैक्टली, उसके बाद विक ने बोला कि मैं अगेन आई ट्राई फॉर योर लगेज आल्सो, एंजेला बोल रही है कि लेट मी फिगर आउट फॉर दैट एज वेल, एंड वो दोनों चले गए, विक भी चले गए और एंजेला भी चली गई, और एंजेला विक को पिक्चर भेजती हमारे लगेज का, हम जैसे हम लोग ने बैग देखा, विक हमारे पास भाग भाग के, ये तुम्हारा बैग है कंफर्म करो, हम लोग ने यस, एंजेला ट्राई कर रही है बैग लेने, हम लोग ने बोला बाप रे बाप, सच में 10-15 मिनट में वापस विक आते हैं, बोलते कि बैग्स हो गया अरेंज, एंजेला बैग, यस बोर्डिंग पास, दिस इज योर बोर्डिंग पास, दिस इज योर बोर्डिंग पास, वो लगेज टैग जो मिलता है वो भी मिल गया हमको, और उन्होंने बोला कि एंजेला के पास आपका बैग है, वो चेक इन करवा देगी आपका बैग, आपको डायरेक्टली बैग बाली में मिल जाएगा, एंड दैट्स इट। तो फिर हम लोग पगला गए, मोमेंट फॉर अस कि भाई साहब क्या हो गया हमारे साथ, मतलब हमने होप छोड़ दी थी, हम लोग सोचते थे वापस इंडिया जाना है, पता नहीं क्या ही होगा, मतलब क्या सोच के आए थे, इतने ब्लॉग डल रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट फाइनली आई डोंट नो कैसे क्या वो एंजल जैसी आई है, एंजेला एकदम एंजल जैसी आई हमारी जिंदगी में, ने इतना हेल्प किया, अभी आ रहा है विक का वीडियो जब हम उनको थैंक यू बोले, और इतना ही हमारे टिकट्स किया, टिकट्स के पैसे नहीं लिए, हमारे लिए बैग अरेंज करके लिए, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, उसके बाद हमारे लिए बिस्किट्स एंड गिफ्ट्स भी ला के, पानी ला के बिस्किट्स लाया, बहुत कुछ किया, और एंड ऑल्सो जब हमने उनको पता था कि दिस इज आवर हनीमून ट्रिप एंड हमारी जो शादी है, तो मैं जब विक को एक्सप्लेन करती विक दिस इज माई हनीमून ट्रिप, दिस माई फर्स्ट ट्रिप, और जब मैं बता रही थी तो विक ने बोला आई कैन गेस दैट बाई सीइंग योर हैंड्स, दो मेरे हाथ में इतनी मेहंदी बची नहीं है, पर उनको पता चल गया, एंड
he was not Indian, he was of course foreigner, koi kaun se country se, he's from Singapore. Singapore se hi the, but unko dekh ke samajh gaya ki bole ko, I was impressed ki unko aise sab pata hai, apne rituals pata hai. And unhone iske liye unhone zyada help kiya. And uske baad unhone bola, because it's your honeymoon, I really wanted ki kuch spoil na ho, isliye unhone itna help kiya aur humko itne difficult situation se bahar nikala. And trust me, this was win-win for us and also learning lessons for us ki aise situation mein agar aap phaso, matlab please be sure, no matter apne kitni bar travel kiya ya first bar travel kar rahe ho, ye sari cheeze choti choti cheezon ko dhyan do. Aur Vikram ko bahut important cheez batayi jo humne starting mein batayi thi airlines ke bare mein ki airlines, आप ना टिकट में आप सस्ता टिकट बुक करते हो ना, उसके लिए एयरलाइंस बाद में ऐसा फंसा देती है. लेकिन यही पहले अगर एयर इंडिया होता या विस्तारा होता या कोई, बेसिकली विक ने हमें बताया कि लो कॉस्ट कैरियर जो फ्लाइट्स होती है, ठीक है, वो मत चूज करो. भले ही आपके 10,000 रुपए बचेंगे, ठीक है, फ्लाइट करने में पर पर्सन 10-10-20,000. हमको लगेगा अरे 20,000 बच रहे तो मैं इससे ही चला जाता हूँ ना, बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है. और ये 20,000 के चक्कर में मेरे 1,00,000 रुपए वापस चले जाते हैं सिर्फ बाली आने में, क्योंकि यहाँ से 50,000 मुंबई और वहाँ से 33,000 पर पर्सन, विच वाज 66,000 प्लस टैक्स, तो 70,000, 70 और 50, 1,20,000 ऐसे ही चले जाते हैं. जा रहे थे और जो हमने ऑलरेडी बुक किए थे वो वेस्ट हो गए थे, तो ऐसे कुछ हो रहा था हमारे साथ. बट थैंकफुली वी आर सो ग्रेटफुल. एंड यस, ये वीडियो हम लोग अभी सिंगापुर एयरपोर्ट से बना रहे हैं एंड दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 5:00 और हमारी अभी फ्लाइट जो उन्होंने हमारे लिए बुक की थी 7:10 की है. एंड बस 2 घंटे में है. अभी हम लोग ने सोचा जाने से पहले ये वीडियो बनाया एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाली में रहेंगे और वो अपलोड करेंगे. तो हमारा सिचुएशन सब सॉर्ट हो गया. हमारे पास जो फ्लाइट मिला उसके बाद भी हमको वापस ओवरनाइट रुकना पड़ा क्योंकि तुरंत उस दिन की फ्लाइट नहीं मिली. हमने बोला चले हम लोग ओवरनाइट रुकेंगे, तो उस ओवरनाइट में हम लोग ने पूरा एयरपोर्ट का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, बिकॉज वी वर हैप्पी एंड वी वर लाइक चलो लेट्स कम बैक. और आपके लिए हम लोग ने सोचा कि आपको एयरपोर्ट दिखा दे पूरा. हाँ, तो दैट वॉज इट, दैट वॉज द सिचुएशन. और उसके बीच में मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी जस्ट टू मेक इट अप. मैं क्या की, मैंने शॉपिंग किया कुछ एकदम जस्ट टू बी हैप्पी. एक वो भी चीज़ का वीडियो आएगा और विक वाला भी वीडियो जो करण के साथ है, करण हम लोग उनको थैंक यू बोल रहे हैं, वो वीडियो भी आएगा. और वो बीच वाला जो मैं रो रही थी एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं कवर कर पाए क्योंकि वो टाइम पे हम लोग फोन निकाल ही नहीं रहे थे. I was like, क्या करें, मतलब वी रियली वॉन्टेड टू शूट दैट, बट अगेन वी वर सो इमोशनल, वी वर सो सैड अबाउट द सिचुएशन, तो नहीं कर पाए. बट दैट it and we wanted to share this with you because you are our family and we want, it's very important for you guys to know and you should not repeat this. किसी के साथ भी ऐसा ना हो, we really don't want किसी के साथ हो. इसलिए हमने ये वीडियो बना के अपलोड किया जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी और जो नहीं है जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी. सो बी केयरफुल गाइज व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली. यस, तो वापस पूरा समराइज कर दूं वीडियो. तो फर्स्ट इंटरनेशनल अगर आपकी ट्रिप है या फिर लेओवर वाली फ्लाइट है या फिर आपका ट्रांजिट है कहीं पर, तो प्लीज़ बी केयरफुल. प्लीज़ डू नॉट बुक. PNR नंबर चेक करना अलग है, तो वीज़ा लेना ज़रूर बिफोर यू सिट इन द फ्लाइट. भले आपको एयरलाइंस बताए नहीं बताए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड डू नॉट बुक लो कॉस्ट कैरियर एंड जस्ट डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब वीडियोज. अगर कोई पर्सन जाके आया है पर्सनली उनसे बात करो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर है कि एजेंट वायर कर दो. थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चले जाएंगे बट आपको पता रहेगा कि आप सेफली जा रहे हो. वंस अगेन अ वेरी 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 बिग थैंक यू टू विक, कैटरीना एंड एंजेला, बिकॉज अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग अभी मुंबई वाले फ्लाइट में होते. बट अभी हम लोग बस, मैं शूज़ पहन रहा हूँ और हम लोग बाली वाले फ्लाइट में जा रहे हैं. 15 मिनट, आधे घंटे में, आधे एक घंटे में हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो यस, और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो या फिर आपको कोई भी डाउट है ये वीडियो को लेकर, तो आप लोग प्लीज़ हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना और हम लोग ट्राई करेंगे सबका जवाब देने एंड वी विल सॉल्व इट फॉर यू. थैंक यू सो मच. इसके बाद वो वीक वाला वीडियो वो जरूर देखना. बस थैंक यू सो मच इतना पूरा वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग्स ऐसे सीरियस और इन्फॉर्मेटिव नहीं, बहुत फन और एकदम मस्ती वाले होने वाले हैं. बी रेडी फॉर दोज व्लॉग्स, व्लॉग्स भी और शॉर्ट्स भी. यस, वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया लड़की को तो जाओ, और लड़की को भी जाओ और फॉलो कर दो. तो जाओ फॉलो कर दो बिकॉज अभी हम लोग खुश हो गए एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय बाली. आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो और कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हुई होगी. चलो मिलते हैं फन वीडियोज के साथ. डू सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो क्योंकि फन वीडियोस आने वाले हैं. बाय बाय. करण इज सो हैप्पी फाइनली. आई एम सो हैप्पी एंड आई कांट थैंक
this man here, Vic. I'm going to remember him for a lifetime. मतलब मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाला हूँ. कभी नहीं भूलने वाले. इतनी help की है, कम से कम 2-3 घंटे हमारे पास बैठा है. He's been like constantly. Lifesaver, honeymoon saver. He's a lifesaver. He's a honeymoon saver for us, and he's been with us from the last 2 to 3 hours. Like I don't know. अपना सब काम छोड़ के ये हमारा काम कर रहे हैं. He has given us tickets and everything. और पता नहीं कैसे sort किया, क्या क्या किया. Thank you so much. Thank you. And hope you have a very good honeymoon. Thank you. This time to make babies, right? But this is really amazing and seriously, can't thank enough. Thank you. You enjoy it too. Yeah, thank you. We are going to remember the Singapore just for you. Yeah. Good reviews, everything good. Yeah. Good experience, good reviews. Yeah. Now our experience is good. Subah se thoda mood kharab tha, but it is fantastic. Yeah. Yay. Thank you.